नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सोमोज वाली जी के और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलिटेन 5 के बारे में। सोलिटेन 5 ये जो सोलिटेन है, सोलिफेनासिन सक्सिनेट बोल के केमिकल कंपोजिशन आता है सोलिफेनासिन सक्सिनेट। सो सोलिटेन 5 ब्रांड नेम है, एक्चुअल केमिकल सोलिफेनासिन सक्सिनेट। ये किस काम आता है सोलिफेन 5 किस काम आता है एंड सोलिफेन 5 को यूज करके किस किस बीमारी, किस सिचुएशन से आप छुटकारा पा सकते हो, क्यों ये प्रिस्क्राइब किया जाता है और बेसिकली इसको यूज करने का तरीका क्या होगा और इसका एफिकेसी कितना है, ये सारे क्वेश्चन के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सोलिटेन 5 जो दवा है, ये दवा इसलिए दिया जाता है जिन लोगों का हाइपर एक्टिव ब्लडर है। ब्लडर मतलब यहां पर यूरिनरी ब्लडर की बात हो रहा है, जहां पर यूरिन स्टोर होता है और फिर यूरिन यूरिनरी ब्लडर से बाहर आता है। वो महिला है या फिर पुरुष हो, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है और स्टोर होकर बहुत टाइम तक वो रहते हैं और हम उसको रोक के रख भी सकते हैं एक लिमिट। देखो वहाँ पे दोनों तरीके का मसल होता है, एक तो है मसल जो अंडर वॉलेंटरी कंट्रोल है, जितना मतलब वो हमारे हाथ में है कंट्रोल, और एक होता है जो इनवॉलेंटरी कंट्रोल जो हमारे हाथ में नहीं है। तो इनवॉलेंटरी कंट्रोल जो होता है वो बेसिकली उसका जो रेगुलेशन है वो कुछ सेल सिग्नलिंग से रेगुलेट होता है और वहाँ पे जो ब्लैडर है, ब्लैडर का दीवार जो होता है उसमें कुछ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स, वो मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तब वो प्रेशर दबाव बनाता है और तब एक अर्ज आता है कि मैं जाके इवैक्यूएट करूँ, मतलब मैं जो यूरिन है वो बाहर निकाल दूँ बॉडी से। तो उसी से एक सेंस बनता है कि मुझे अब यूरिन जाना है, मुझे एक नंबर जाना है, ऐसा सेंस बनता है क्योंकि बॉडी में इस तरीके के सिग्नल बनता है और तब जाके हम मैनुअल जो मसल है उसको रिलैक्स करते हैं, फिर जो यूरिन है बाहर निकलता है। तो ये बात होता है नॉर्मल यूरिनरी जो मिक्चुरेशन प्रोसेस, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं हम इसको, इसके बारे में। अब बात क्या हो जाता है, कुछ कुछ केसेस में लोग ये जो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जो कंट्रोल है वो कंट्रोल खो देते हैं, जिसको हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी बोलते हैं। इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये होता है कि आपके मसल के ऊपर जो आपका जो कंट्रोल है वो खो देना। तो जो खो, ये कुछ बीमारी के कारण हो सकता है, बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ होता है। देखिए आप शायद देख पाए होंगे नॉर्मली 80-85 ईयर्स अबव एज लोगों में ये कंट्रोल थोड़ा थोड़ा होके कम होने लगते हैं। उसके साथ साथ अगर कोई एक्सीडेंट ट्रॉमा हो जाए, जहाँ से सर्जरी हो, उसके एज अ रिजल्ट वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे इनवॉलेंटरी जो कंट्रोल होना चाहिए ब्लैडर के ऊपर, वो ब्लैडर के ऊपर कंट्रोल कम हो जाता है और तब बहुत आसानी से जो है यूरिन निकल आता है कहीं पर भी। तो एक बहुत ही टफ, एक डिफिकल्ट बीमारी है क्योंकि लोग इसको लेके डायरेक्टली बात नहीं कर पाते, बट इट्स अ वेरी इमरजेंसी केसेस। तो इसको ठीक करने के लिए सोलिटेन 5 ये जो दवा है ये आता है। ये दवा किस हिसाब से काम करता है, देखो मैंने आपको कहा एक सिग्नलिंग प्रोसेस है। सिग्नलिंग प्रोसेस का क्या है कि यूरिनरी ब्लैडर है, उसके अंदर जब यूरिन भर जाएगा तब सिग्नल आएगा बॉडी में, या यूरिन भर चुका है तो कुछ सिग्नलिंग फैक्टर रिलीज होता है। वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जब भी उस यूरिनरी ब्लैडर में जाके, यूरिनरी ब्लैडर में कुछ रिसेप्टर्स है मानो कि ऐसे की चाबी ताला, और ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है वो चाबी है। तो चाबी जाके ताले में बिल्कुल फिट हो जाएगा, फिट होने से क्या हो जाएगा, प्रोसेस जो स्टार्ट, क्या प्रोसेस स्टार्ट होगा, कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्ट करेगा, प्रेशर दबाव बनाएगा और उस हिसाब से यूरिनेशन होने की चांसेस बढ़ेंगे, नॉर्मल यूरिनेशन होगा, सेंस होगा कि यूरिनेट करना है, जाके आप यूरिनेशन कंप्लीट करोगे, ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे सोलिटेन 5 का काम होता है, ये जो रिसेप्टर्स है जो कि यूरिनरी ब्लैडर में होता है वो रिसेप्टर को ब्लॉक कर, मतलब मानो कि ये रिसेप्टर है और ये सोलिटेन 5 ये उसको ब्लॉक कर दिया। अब क्या होगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज तो होगा मगर वो आके किसी भी रिसेप्टर तो है ही नहीं, वो ब्लॉक हो गया तो उसमें बाइंड नहीं हो पाएगा। इसके कारण क्या होगा, यूरिन फॉर्मेशन मतलब यूरिन बाहर निकलना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। तो नॉर्मली जो आसानी से यूरिन बाहर आ जा रहा था वो आप बंद कर सकते हो, उसको फिर से कंट्रोल के अंदर ला सकते हो। इसीलिए सोलिटेन 5 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी मेडिकेशन है। कुछ कुछ केसेस में जैसे कि मैंने आपको बताया, जिन लोगों में बढ़ती उम्र के साथ साथ इनकॉन्टिनेंस होता है यूरिन को लेकर, उनमें ये प्रिस्क्राइब किया जाता है, अदरवाइज कुछ एक्सेप्शनल केसेस में भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब बात करते हैं सोलिटेन 5 की साइड इफेक्ट। देखो सोलिटेन 5 ये जो स्मूथ मसल रिलैक्स है, मतलब स्मूथ मसल जो है ब्लैडर का जो मसल है, दीवार है उसका जो मसल है वो स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन में ये सोलिटेन 5 मदद करता है। अब ये रिलैक्सेशन में, जब स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन में सोलिटेन 5 मदद करता है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली
हो सकता है कि ओवरडोज हो गया सोलिटेन फाइव का आप में, तो आप हो सकता है कि जाओगे यूरिनेट करने के लिए, आप रोकोगे तो यूरिन जल्दी बाहर नहीं आ पाएगा। ये हो सकता है अगर प्रोलॉन्ग यूज आप कर रहे हो तो यूरिनेशन में डिफिकल्टी आ सकता है। ये प्राइमरी सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट यही है, अदरवाइज द सिचुएशंस आर नॉर्मल, बाकी का कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। देखो स्मूथ मसल रिलैक्सेंस का काम यही होता है कि पर्टिकुलर टारगेटेड हो, कुछ जगह पे काम करे। तो जो लोग बहुत जब यूरिनेशन लगता है तो तभी के तभी निकल आना, या फिर जो पेन होता है वहाँ पर ड्यू टू फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार जाना पड़ता है, यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी उनमें ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे सॉलिटेन अगर प्रिस्क्राइब किया गया तो देखेंगे कि यूरिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी हो वो कम हो जाएगा, जितने बार जाते थे उससे कम हो जाएगा, कम बार जाना पड़ेगा, और जो कंट्रोल के बाहर यूरिनेशन हो रहा था वो भी रेगुलेट हो जाएगा। बहुत इफेक्टिव मेडिकेशन है, बहुत अच्छा मेडिसिन है। तो किस किस लोगों में इसको देना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी शरीर में यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके शरीर में डेफिनेटली एक यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो। यूरिन इनकॉन्टिनेंस एक सिम्टम तो है, मगर ये कुछ भयानक बीमारी का सिम्टम भी हो सकता है। हो सकता है आप में यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है यूरिनेशन की, क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन होता है, कुछ कुछ दफ़ा तो अल्सर जैसा हो जाता है ब्लैडर के अंदर, उस कारण वो इरिटेटेड रहता है। जब भी आपकी यूरिन के पीएच कम हो जाता है, एसिडिक पीएच हो जाता है, तो उससे अल्सर में इरिटेशन आता है, उसके कारण भी आपको यूरिनेशन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की ज़रूरत पड़ता है। वो सारे सेपरेट चीज़ है, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आपका जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है आपकी या फिर कोई भी आपके फैमिली मेम्बर का, उसका कारण क्या है। कुछ दफ़ा ये भी होता है कि किसी इंसान में, पर्टिकुलरली फॉर द मेल, पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो जाता है, जिसको हम प्रोस्टेटोमेगाली बोलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जब बड़ा हो जाता है उसके कारण वो एक प्रेशर अप्लाई करता है ब्लड में, तो उस हिसाब से भी यूरिनेशन का फ्रिक्वेंसी बढ़ता है, उस हिसाब से भी आपका जो यूरिनेशन के ऊपर कंट्रोल होना वो भी घट जाता है। तो उस सिचुएशन में भी कुछ अलग मेडिकेशन चाहिए होता है, सिर्फ सॉलिटेन से नहीं होता है, तब कुछ अलग मेडिकेशन चाहिए आपको। पर्टिकुलरली PSA करना चाहिए, कुछ टेस्ट जैसे कि PSA, कुछ टेस्ट जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द लोअर एब्डोमेन, वो करने के बाद पता चलता है कि कितना साइज है आपके प्रोस्टेट का, उस हिसाब से प्रोस्टेट को रिड्यूस करने के लिए मेडिसिन दिया जाता है। और अगर ये ट्यूमर है प्रोस्टेट में, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर भी बहुत कॉमन होता है आफ्टर द एज ऑफ 65 मेल में, तो वहाँ पे आपको जाना चाहिए कि ये सच में किस कारण हो। इसलिए इसको एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको हल्के में मत लीजिए। शायद सॉलिटेन लेने से विद इन 5 डेज आपका ये सिम्टम्स ठीक हो जाए, मगर फिर भी अंडरलाइंग डिजीज को, अंडरलाइंग बीमारी को आपको जानना चाहिए। इसके लिए पर्टिकुलरली आपको टेस्ट वगैरह करना होगा। डेफिनेटली आप जाइए किसी यूरोलॉजिस्ट के पास, बात को शेयर कीजिए, टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपका ट्रीटमेंट चालू होगा। सो सॉलिटेन इज वन काइंड ऑफ मेडिसिन फॉर दैट। सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग सॉलिटेन 5। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।